हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोलिक टर्बाइंस क्या होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होती है, हेड्स क्या होते हैं एंड हाउ आर द एफिशिएंसीज ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस बीइंग डिफाइंड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट का। हमारे पास डैम होता है, एक रिजर्वायर होता है जहाँ पानी भरा हुआ रहता है। उस रिजर्वायर से पेनस्टॉक के थ्रू पानी आपका एक हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर पर नीचे आता है। यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जहाँ जो पानी के साथ में इंटरेक्ट करता है और पानी से एनर्जी निकालता है, जिसका नाम दिया हुआ है टर्बाइन। यहाँ पर एक मेजर कंपोनेंट टर्बाइन है, ठीक है। और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर को जाते हैं, जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है एंड दैट इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो ये पूरी साइकिल है। अब इसके अंदर आप देखेंगे सबसे महत्व का जो कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो टर्बाइन है, यहाँ पर जो लगाया हुआ है। और टर्बाइन का मेन फंक्शन यही है टू टेक अवे द एनर्जी फ्रॉम फ्लूइड और लेट से वाटर और हाइड्रोलिक एनर्जी, और उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल फॉर्म में, ताकि मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी को फिर जनरेटर ले सके और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। अब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। आजकल जनरेटर अवेलेबल है जिसकी एफिशिएंसी 95% से भी ज़्यादा होती है, राइट, जो ये आराम से कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट को हम डिटेल में देखते हैं आज, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम टर्बाइन्स को डिटेल में देखने वाले हैं। ये बहुत कह सकते हैं दिस इज द हार्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। तो हम लोग पहले उसकी हेड्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के हेड्स होते हैं या क्या उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये आपका डैम है और यहाँ पूरा आपका पानी भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है मान लो, और आपका एक पेनस्ट्रोक के थ्रू पानी नीचे आकर के यहाँ से आपका एक जेट टर्बाइन के ऊपर इंटरेक्ट करता है। ये आपका टर्बाइन है, ठीक है। तो टर्बाइन के आप कह सकते हो इस लेवल से जो आपकी हाइट तक पानी भरा हुआ है रिजर्वायर में, उसको आप बोलते हो ग्रॉस हेड, HG। मतलब ये ऐसा दिखाता है कि टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल है उस पानी के कह सकते हो पार्टिकल या मॉलिक्यूल के पास में, कि जो टर्बाइन को इंटरेक्ट करके एनर्जी निकाल सकता है। तो ग्रोज हायर जनरली डिफाइंस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, राइट, कि जो अवेलेबल है पानी का। अब क्या होता है कि मान लो उसको मैं लाइन खींच देता हूँ, और हमको फ्लूइड मैकेनिक्स में ये देखा हुआ है कि जैसे ही पानी फ्लो होता है, कोई पाइप के थ्रू फ्लो होता है, तो उसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं, एंट्री लॉस, एग्जिट लॉस, बैंड लॉस, फिर कह सकते हो कि फ्रिक्शन लॉस, ये सारे जो लॉसेस होते हैं उसके कारण आपकी एनर्जी ड्रॉप होती है। तो मान लीजिए पानी आपका फिल्टर के थ्रू जैसे एंटर कर रहा है यहाँ पे, तो इट इज गोइंग थ्रू अ रिस्ट्रिक्शन पेनस्टॉक के अंदर। तो पहले टोटल अवेलेबल इतना का हेड था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका हेड कम होने वाला है। तो मान लो पानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब पहुँचा टर्बाइन के इनलेट तक, टर्बाइन जब लगने वाला टर्बाइन के ऊपर, टर्बाइन के एंट्री तक अगर पहुंचा पानी, तो उसके बीच के वाले फिर बहुत सारा आपका एनर्जी का लॉस हुआ है। तो उसको अगर हम देखें तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके जो अवेलेबल हेड थे वो कम होता गया। तो ये जो डिफरेंस यहां पर बनता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉस, ठीक है, या तो कह सकते फ्रिक्शन हेड लॉस HF के फॉर्म में। तो इतना जो बचा है फिर नेट यहां से लेके यहां तक, उसको हम बोलते हैं नेट हेड। तो तीन हेड यहां पर होते हैं, एक ग्रॉस है जो टोटल अवेलेबल आपका रिजर्वायर में है वो, एक नेट हेड जो कि टर्बाइन के एंट्री पे जो पानी आपके पास पहुंचा है उसके पास टोटल हेड कितना है वो, और एक होता है फ्रिक्शन हेड लॉस HF। तो अगर इसको हम देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका नेट हेड जो है वो क्या है, टोटल में से अगर फ्रिक्शन को माइनस कर दो तो आपका नेट हेड मिल जाएगा। तो कैपिटल H इक्वल्स टू HG माइनस HF, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन आपकी लैंग्वेज में देखते हैं, तो ग्रॉसर किसको कहा गया है, इट इज टोटल हेड ऑफ वाटर अवेलेबल इन द डैम, और यू कैन से रिजर्वायर, और यू कैन से रिजर्वायर, ठीक है। दूसरा फ्रिक्शन हेड लॉस क्या होता है, HF, इट इज द हेड लॉस्ट, इट इज द हेड ऑफ वाटर लॉस्ट वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम रिजर्वायर टू टर्बाइन यूनिट। जब रिजर्वायर से लेकर टर्बाइन तक पानी पहुंचा तो पाइप के थ्रू पहुंचा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन लॉस हुआ है, हेड लॉस हुआ है, उसको बोलेंगे फ्रिक्शन हेड लॉस। देन नेट हेड क्या होता है, इट इज द नेट हेड ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर टर्बाइन टू यूज एंड कन्वर्ट इट इन टू द मैकेनिकल शाफ्ट पावर। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टर्बाइन के एंट्री पे पानी पहुंचा उसके पास कितना हेड अवेलेबल है, हेड मतलब डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंटेंट, कि उसके पास कितनी एनर्जी कंटेंट है, क्योंकि वही एनर्जी कंटेंट जो है वो आपका मैकेनिकल में कन्वर्ट होने वाला है। तो टर्बाइन के पास कितना अवेलेबल है कन्वर्ट करने के लिए, उसको आप बोलोगे नेट हेड, विच इज अगेन ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन हेड। क्लियर हुआ है चीज की हेड्स क्या होते हैं, टर्बाइन्स के टर्मिनोलॉजी क्या होती है। नाउ वी विल सी व्हाट आर डिफरेंट एफिशिएंसीज जो डिफाइन किए गए हैं इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि सेक्टर के अंदर। तो पहले इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है कन्वर्जन का, पानी से लेकर के शाफ्ट तक की। तो ये टिपिकल डायग्राम है जहां पर आप देख रहे हो कि वाटर आपका आया, और ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है वो आपका रनर है,
टरबाइन का जो कंपोनेंट घूमने वाला होता है उसको बोलते हैं रनर, जिसके ऊपर आपकी ब्लेड्स माउंट की रहती है, और ब्लेड्स ही ऐसी एक कंपोनेंट है जो पानी के साथ में डायरेक्ट टच में होता है, और पानी जो है वो ब्लेड के साथ में इंटरेक्ट करके ही आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो एक होता है वाटर, वाटर अपनी एनर्जी किसको देगा, रनर को देगा जो घूमने वाला कंपोनेंट है, और रनर जो है वो एक शाफ्ट के ऊपर मैकेनिकल फॉर्म में कपल किया हुआ रहता है की और शाफ्ट की अरेंजमेंट के थ्रू, राइट। तो वो आपको रनर जो एनर्जी देगा शाफ्ट ऑफ जनरेटर को, तो जनरेटर का शाफ्ट जो है उसको एनर्जी रनर देगा। तो अब देखिए ट्रांसफर कैसे हो रहा है, पहले तो वाटर से रनर एनर्जी का फ्लो, फिर रनर से आपका शाफ्ट। तो इसको यहां पर जो एनर्जी अवेलेबल थी इसको हम बोलेंगे वाटर पावर, वाटर पावर WP। अब वाटर पावर मान लो आपके 100% थी फॉर एग्जाम्पल, या 100 जूल्स थी, तो बट ऑब्वियस है कि पूरी की पूरी ट्रांसफर हुई नहीं होगी रनर को, देयर इज ऑलवेज अ लॉस एसोसिएटेड विद एनी एनर्जी कन्वर्जन। तो पानी से जो एनर्जी रनर को मिली इसको हम बोलेंगे रनर पावर। तो 100 थी मान लो, फिर यहां पर आई 95 फॉर एग्जाम्पल, 95 जूल्स। अब रनर से मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू शाफ्ट को पहुंची, इसको हम बोलेंगे शाफ्ट पावर। इसको पहुंची मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 93 जूल्स, 95 से 93। अब देखिए यहां पे चेंज हुआ है, तो 100 में से यहां पे 95 आया, तो ये जो कन्वर्जन हुआ इसकी एफिशिएंसी जो होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज ईटा एच, दैट इज आउट रनर पावर बाय वाटर पावर, कि वाटर पावर में से कितनी एनर्जी रनर को मिली। तो इट इज 95 बाय 100 करेंगे तो आपको 95% मिल जाएगा, दैट इज दी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो डिफाइन कैसे किया गया है, जो अवेलेबल वाटर में थी उसमें से रनर को कितनी मिली, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू रनर। सेकेंड इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, वो ऐसी है कि ये कन्वर्जन जो हुआ 95 से फिर 93 मिला, तो यहां पर जो परसेंटेज है मतलब शाफ्ट पावर बाई रनर पावर, कि टोटल रनर पावर इतना अवेलेबल था उसमें से कितना परसेंट शाफ्ट पावर को मिला, दैट परसेंटेज इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, राइट। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज शाफ्ट पावर, ए मैकेनिकल नाम क्यों दिया गया, बिकॉज रनर पावर से शाफ्ट तक जाने के लिए मैकेनिकल अरेंजमेंट का यूज किया गया है, इसलिए उसको बोलेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी, राइट। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी शाफ्ट बाय रनर, और इस पूरी प्रोसेस की जो 100 जूल्स वाटर की थी और 93 जूल शाफ्ट की मिली, तो टोटल 100 में से 93% तो 93% इज नथिंग बट दी ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज शाफ्ट पावर, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय वाटर पावर दैट वाज अवेलेबल। तो आप ये कह सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करूं तो कहना है ईटा ओ इज इक्वल्स टू शाफ्ट पावर बाय वाटर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं रनर पावर से दोनों साइड ऊपर नीचे, फिर भी वही होता है, सेम ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है। थोड़ा इसको मैं रीअरेंज करता हूं, तो शाफ्ट पावर बाय रनर पावर इनटू रनर पावर बाय वाटर पावर, ये क्या है, देखो व्हाट इज शाफ्ट बाय रनर, शाफ्ट पावर बाय रनर पावर क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, और रनर पावर बाय वाटर पावर क्या है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ईटा एच। तो ओवरऑल एफिशिएंसी और कुछ नहीं है, ये दोनों एफिशिएंसी का मल्टीप्लीकेशन है, समझ में आया। ये नाम इसलिए याद रखना जरूरी है बिकॉज जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे फॉर्मूलाज करेंगे डेरिवेशंस करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। लेट अस मूव अहेड। अब जनरली जो इस टर्बाइन की मैंने बात तो कर ली कि टर्बाइन एक यूनिट होता है जो आपकी हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी सॉरी मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, बट वो टर्बाइन जो है वो कौन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होता है। तो अगर मैं ये एक वीडियो दिखाऊं, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम लेसिक्स यूट्यूब चैनल, जो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है इन्होंने, तो मैं आपको सिंपल एक एनिमेटेड वाला वीडियो दिखाता हूं। देयर आर जनरली अगर हम देखें इस चीज को, तो जनरली आज के डेट में मेजरली जो यूज होता है हाइड्रो पावर में, तीन तरह के टर्बाइन यूज होते हैं। एक को हम बोलते हैं पेल्टन टर्बाइन, दूसरे को हम बोलते हैं फ्रांसिस टर्बाइन, और तीसरे को हम बोलते हैं कैपलान टर्बाइन। अब ये तीनों क्या है देखते हैं। पेल्टन टर्बाइन जो है वो इस तरह का कुछ बकेट रहता है जहां पर आपका ये बकेट शेप अरेंजमेंट रहती है, और एक पानी जो आपका डैम से आता है वो नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी से इस पे इंपैक्ट करता है, और क्योंकि ये इंपैक्ट करता है तो ये आपका इसके ऊपर फोर्स लगता है और ये आपका रोटेट होता है ऐसे। दिस इज आवर शाफ्ट जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है, जनरेटर को ट्रांसफर करता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं पेल्टन टर्बाइन। फ्रांसिस जो है ऐसा है कि यहां से पानी आपका एंटर हुआ, और फिर ये जो आपको दिख रहा है कॉपर कलर का जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये आपका अलग अलग जगह से आपका पानी अंदर घुसेगा। ये आप देखिए शाफ्ट आपका ये वाला है। अब यहां पर चीज देखिए कि थोड़ा अलग अरेंजमेंट है। यहां पर आपका शाफ्ट ये था,
आपकी बकेट ये थी, तो आपका पानी का फ्लो कैसा है, आपका जो सर्कल है ये वाला सर्कल, उस सर्कल को टेंजेंशियल फ्लो जा रहा है पानी का। यहां पर जो रनर का सर्कल जो है उसको रेडियली अंदर आ रहा है पानी आपका, ठीक है। तो ये आपका फ्रांसिस टर्बाइन हो गया, और तीसरा जो है वो कापलन टर्बाइन। यहां पर क्या होता है कि टर्बाइन ये वाला है, तो आपका पानी का फ्लो ऐसा रहता है जनरली, एक्सियल फ्लो, ये आपका शाफ्ट का एक्सिस है वर्टिकल, ये घूमता है ऐसे। अब देखिए मैं यहां पर ये नाम इसलिए बोल रहा हूं कि टेंजेंशियल, रेडियल, एक्सियल, क्योंकि ये तीन तरह के इसमें अलग अलग फ्लो है। अब पेल्टन टर्बाइन जो है दिस इज मेजरली यूज्ड फॉर वेरी वेरी हाई हेड, बिकॉज जितना ज्यादा आपका हेड रहेगा डैम के अंदर उतनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी आएगी, और यहां जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और ये आपका कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल फॉर्म में। बट यहां पर पॉइंट ये है कि यहां पर पेल्टन के अंदर खाली पानी के पास जो भी एनर्जी अवेलेबल है वो काइनेटिक एनर्जी ही होनी चाहिए, और वो काइनेटिक एनर्जी ही वो एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता है। जनरली जब भी पानी का फ्लो होता है पाइप के अंदर से, तो उसके पास दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक भी होती है और एक प्रेशर भी होती है। तो अगर ये पेल्टन टर्बाइन जो है वो खाली काइनेटिक एनर्जी जो है पानी की उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द शाफ्ट। फ्रांसिस जो है वो काइनेटिक प्लस प्रेशर दोनों होता है उसके पास में। तो जब भी पानी जो है आपके इस फ्रांसिस के इनलेट पे आता है, तो इस यहाँ इनलेट पोर्शन में पानी के पास में प्रेशर एनर्जी भी है और काइनेटिक भी है, और जैसे वो एग्जिट हुआ तो प्रेशर एनर्जी भी डाउन गई, काइनेटिक भी डाउन हुई पानी की, जिसके कारण क्या हुआ, जो डिफरेंस आया है वो आपका किस में गया है, आपके टर्बाइन ने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और वो एनर्जी कहाँ भेज दी है, जनरेटर को भेज दिया है। तो इन दोनों का यूज करता है फ्रांसिस टर्बाइन। सिमिलरली कापलन भी दोनों का यूज करता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो ये तीन तरह के टर्बाइन के मेजर डिफरेंसेस ये है। और अगर हम फ्लोरेट की बात करें तो इसका जो फ्लोरेट पानी का जो रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है, रिलेटिवली कम फ्लोरेट रहता है, बट इसका हेड हाई रहता है। इसका फ्लोरेट आपका जो है वो हाई रहता है, हेड कम रहता है आपके पानी का हेड। तो जहां पर भी कम हेड वाला आपका आपका डैम है वहां पर आप कापलन यूज कर सकते हैं, और फ्रांसिस इज यूज फॉर मीडियम हेड और मीडियम फ्लोरेट ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। ये मैंने ओवरव्यू आपको तीनों का दे दिया, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे लेक्चर्स के अंदर, बट मैं ओवरव्यू इसलिए दिया बिकॉज हमें क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, तो आपको एक पता पड़े। तो अगर हम क्लासिफाई करेंगे टर्बाइन्स को, तो टर्बाइन्स क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट यू नो बेस्ड ऑन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। तो पहला है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट द इनलेट, टर्बाइन के एंट्री पे कौन से टाइप की एनर्जी अवेलेबल है। अब वो डिपेंड करेगा टर्बाइन जो है वो कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो पेल्टन की बात करेंगे तो पेल्टन इज ओनली यूज टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ शाफ्ट। तो इनलेट पे टर्बाइन का क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम बोलेंगे इंपल्स टर्बाइन। तो पेल्टन इज द इंपल्स टर्बाइन। बट फ्रांसिस और कापलन जो टर्बाइन हमने देखा, यहां पर आप दोनों इज इक्विप्ड टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो फ्रांसिस और कापलन के इनलेट पे दोनों एनर्जी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं रिएक्शन टर्बाइन्स, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, आपका टर्बाइन का जो रनर था उसके जब वहां पर पानी पहुंचे तो उसका फ्लो का डायरेक्शन क्या है। तो पेल्टन का मैंने देखा कि सर्कल आपका ये था, और जेट का डायरेक्शन टेंजेंशियल था, टेंजेंट टू द सर्कल, तो टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन्स। फिर सेकंड कैटेगरी इज रेडियल फ्लो, जहां पर आपका रनर जो है उसके रेडियल में पानी आता है, तो दैट वाज फ्रांसिस, तो फ्रांसिस रेडियल फ्लो टर्बाइन। फिर एक्सियल फ्लो दैट इज कापलन, कि जहां पर आपका टर्बाइन घूम रहा था उसकी एक्सिस वर्टिकल है और पानी का फ्लो भी वर्टिकल है, ठीक है, रनर के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे एक्सियल फ्लो टर्बाइन्स। और चौथा है मिक्स फ्लो, मतलब जो आज के डेट पे एडवांस्ड फ्रांसिस टर्बाइन जो आया वो मिक्स फ्लो है, मतलब आपका रेडियल एंट्री है और एक्सियल एग्जिट है। वी विल सी ऑल दिस इन डिटेल्ड वन बाय वन इन ऑल दिस टर्बाइन्स। एंड थर्ड कैटेगरी विथ विच द टर्बाइन्स आर क्लासिफाइड इज द अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन। जैसे मैंने बताया पेल्टन इज हाई हेड टर्बाइन, फ्रांसिस इज मीडियम हेड टर्बाइन, एंड कापलन इज लो हेड टर्बाइन, ठीक है। एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन। अब स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है ये हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए मान के चलो कि इट इज समथिंग दैट रिलेट्स द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ टर्बाइन। तो पेल्टन जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा जब आपकी स्पेसिफिक स्पीड लो होती है। तो इन द एरियाज वेयर स्पेसिफिक स्पीड इज लो पेल्टन टर्बाइन्स आर यूज्ड, तो उस तरह के टर्बाइन्स को बोलते हैं लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। फिर मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन जो फ्रांसिस है, एंड फिर हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन जो कि आपका कैपलन है। अब ये स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है हम लोग लेक्चर में देखने वाले, आगे उसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा मैं, वहां पर पता पड़ जाएगा व्हाट इज स्पेसिफिक स्पीड। तो दिस आर द मेजर वेज इन विच टर्बाइन्स आर क्लासिफाइड, ठीक है। आई होप यू गॉट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हेड्स, द एफिशिएंसीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन्स। और हम हर एक टर्बाइन को डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन इन द अपकमिंग लेक्चर्स, कि हाउ आर ऑल दिस यूज्ड इन टर्बाइन्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।